स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी पाठशाला में, और मैं हूं आपका एसडीपी गुरुजी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो कुल मिला के 13 डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, एक तो बेसिक ऑपरेटर्स और दूसरा बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8 प्रकार के बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें से सबसे पहला आपका होता है सिंपल इक्वल्स टू, जो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद प्लस इक्वल्स टू, फिर माइनस इक्वल्स टू, एस्टेरिक सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, सिंगल डिवीजन जिसे हम फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं, फिर आप लोगों का आता है इंटीजर डिवीजन, और फिर उसके बाद आप लोगों का मॉड डिवीजन, फाइनली आप लोगों का एक्सपोनेंशन डिवीजन। तो चलिए ये सभी के सभी 8ों ऑपरेटर्स को हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो आप लोग अपना आइडियली ओपन कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक ऑपरेटर्स का। तो आप लोगों का पहला ऑपरेटर है इक्वल्स टू। तो जब भी आपको कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, हम लोग सिंपल इक्वल्स टू ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू 5 कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो 5 वैल्यू है ये ए को असाइन हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हैं, ये हो गया आपका सिंपल इक्वल्स टू। इसके बाद आप लोगों की सेकेंड कैटेगरी आती है प्लस इक्वल्स टू। ए प्लस इक्वल्स टू अगर मैं 5 करता हूं, तो यहां पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहां पे मुझे ए के अंदर जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 10। अब आप कहोगे कि सर हमने ए प्लस इक्वल्स टू 5 किया है, 10 कैसे क्या मिल गया? ये इसलिए मिला दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने सबसे पहले ए के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर करी थी, ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर की थी, वो वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, उसके बाद और 5 वैल्यू आप लोगों ने ऐड कर दी। इसी का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा हूं। इसी को हम लोग लिख सकते ए प्लस 5, और आप लोगों को मिल जाएगा, अब आप लोगों को मिलेगा 15, क्योंकि अब आप लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर वाले 10 वैल्यू में और 5 यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये हो गया आप लोगों का प्लस इक्वल्स टू। इसके बाद हम लोग देखेंगे माइनस इक्वल्स टू। तो इसके लिए मैं वेरिएबल दूसरा यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं बी माइनस इक्वल्स टू 5। तो यहां पे मैंने बी के अंदर अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करी है। डायरेक्टली अगर मैं यहां पे यूज करूंगा तो आप लोग यहां पे देख पा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आप लोगों को एरर मिल रहा है। क्यों एरर इसलिए मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बी के अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन वैल्यू इंसर्ट की नहीं है। मैंने आप लोगों को वेरिएबल के वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को पाइथन में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्योंकि इंटरप्रेटर को तब तक ये नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का डेटा टाइप ये पर्टिकुलर वेरिएबल होल्ड कर सकता है। तो डेटा टाइप बताने के लिए आप लोगों को वेरिएबल के अंदर सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, बी इक्वल्स टू 5 यहां पे लिखता हूं, और अब मैं ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बी माइनस इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं बी माइनस इक्वल्स टू 5 करूंगा तो यहां पे मुझे आउटपुट मिल जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने बी में पहले से ही 5 स्टोर करके रखा है, सी के अंदर मैंने यहां पे लेट सपोज 5 स्टोर कर दिया। तो आप इसी को कैसे लिख सकते हो, सी इक्वल्स टू सी माइनस 5। तो ये हो गया आप लोगों का माइनस इक्वल्स टू, फाइनली आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है 0। तो इस प्रकार से आप लोग माइनस इक्वल्स टू कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का आएगा इनटू इक्वल्स टू। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं डी वेरिएबल ले रहा हूं, डी के अंदर मैंने क्या किया, डी के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर दी जैसे कि 5। उसके बाद मैं डी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 कर रहा हूं, और यहां पे मैं चेक कर रहा हूं तो आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 5 × 5 = 25। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन। लेकिन डिवीजन में जरूर ध्यान दीजिए, दो टाइप के आप लोगों को डिवीजन ऑपरेटर देखने मिल जाते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन और इंटीजर पॉइंट डिवीजन कहते हैं। जब मैं यहाँ पे सिंगल डिवीजन कर रहा हूँ, ई इक्वल्स टू 5 मैंने इंसर्ट कर दिया, अगर मैं सिंगल डिवीजन इक्वल्स टू 5 कर रहा हूं तो आप लोग चेक कर सकते हो ई के अंदर जो आउटपुट है वो स्टोर हो रहा है, और मुझे मिल रहा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू मिल रहा है दोस्तों 1.0। ऐसे ही मैं एफ के अंदर यहां पे मैं नेक्स्ट ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसको मैं कहूंगा डबल डिवाइडेड इक्वल्स टू, जिसको हम लोग इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। अब मैं यहां पे एफ के अंदर
वैल्यू स्टोर कर रहा हूं 5 और मैं यूज कर रहा हूं डबल डिवीजन इक्वल्स टू 5। तो यहां पे आप लोगों को दोस्तों एफ के अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1। यहां पे आप लोगों को इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ये डिफरेंस है सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन ऑपरेटर का। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है मॉड ऑपरेटर। सो मॉड इक्वल्स टू का एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे मैं जी वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करूंगा और उसके बाद जी मॉड इक्वल्स टू 5 मैं यहां पे करूंगा। तो आप लोग जी के अंदर वैल्यू देख सकते हो, यहां पे आप लोगों को 0 मिल रहा है। आप लोगों को मैंने इसके पहले भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में बताया था कि डिवीजन के थ्रू आप लोगों को मिलता है क्वोशेंट और मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू आप लोगों को मिलता है रिमाइंडर। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आप लोगों का लास्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो बेसिक की कैटेगरी में आता है वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डबल एस्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा h इक्वल्स टू 5, इसके अंदर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूंगा डबल एस्टेरिक इक्वल्स टू 5, ये मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। तो यहां पे आप लोगों को h के अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3125। ये वैल्यू क्यों मिल रही है आप लोगों को, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने किया 5 to the power 5, 5 to the power 1, 5 to the power 2, ऐसे आप लोगों ने 5 to the power 5 निकाला तो आप लोगों को मिला 3125। तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर दोस्तों।